हिंदुस्तान का जो आजादी की बात है, इतना बड़ी व्यक्ति देखिए हमारे क्या सकता था। आप हाई हाई कोर्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए या फिर बैंक बना देते हैं कि नशी का अपने सामने समझा लिया। और बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान का जो है चीफ जस्टिस ऐसा मैंने एक बुजुर्गता व्यक्ति आया है जिन्होंने सीधा फैसला लिया, अपने अंदर में जो फैसला लिया। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भलाई चंद्रचूड़ मैं अब इस हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की चुनाव हो चुकी है। हरी भी जो है ये कहे थे कि हम कर रहे हैं सब जो मरीज चाहिए और डी वाई चंद्रचूड़ ने उनको और बात सिखा दी है तो मैं कोई लंबी चोरी बात न करते हुए और इस समय की तरफ से ये कहने का कहे दीजिए समर्थन करता हूँ। तो पूरे हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष और समाज के इस मुद्दे में जो हमारे बीच में पहुंचे हैं श्री ओमपाल सिंह गांधी साहब, ईश्वर सिंह फौजी जी, सतपुर सिंह उत्तर प्रदेश महासचिव, गणेश सिंह मध्य प्रदेश का। आज के सारे सभापति जी चौधरी हमारे बीच में आए हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता चौधरी राजेश कुमार जी, सभी भागपुर के चौधरी और किसान यूनियन के पदाधिकारी सभी भाई और हमारी बहन बेटियां खिलाड़ी, हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसले कर दिए, नहीं तो जल्दी से जल्दी या तो बात को मान जा नहीं तो हम दिल्ली को घेर कर रख देंगे, न पानी आने देंगे, न सभी रास्ते बंद कर देंगे। हम साग सब्जी को भी अनाज खाद पदार्थ है हम सभी रोक देंगे। चारों तरफ की हमारी जमीन है, हम इतने अक्षम का रखते हैं कि हम सारे बॉर्डर सील कर देंगे। और हमारा दांगी खाप का पूरे भारत का पूरा समर्थन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हमारे किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी और हमारे पहलवान, हमारे सारे छोटे भाई युवा और बुजुर्ग, हमारे इस वर्ष बॉडी भारतीय किसान यूनियन ने मुंबई में आकर की हमेशा मित्र उत्तर प्रदेश, और आपको पता ही है कि हमने सरकार के अगले पसंदी थी बड़े सरकार के जिसकी थी आपको पढ़ाई सरकार किसान के साथ है और मेरे अभियान सत्ता है मेरे बच्चे है हम आपके साथ नजर आएंगे। हमने जो आंदोलन को खाद्यान्न नहीं था हम उसके रास्ते थे उसका काम निकल थे हम जो काम निकल नहीं पड़ता है हम भी आज भी हम भी आज 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 भी क्योंकि ये लड़ाई व्यक्ति या व्यक्ति की सरकार है, ये बच्चियों छात्र सम्मान की लड़ाई है, उनको न्याय नहीं मिलता यहाँ। लेकिन सवाल तो ये है कि माहौल तैयार किया जा रहा है सोशल मीडिया वो लगातार सरकार की फोटो खिलाड़ियों के साथ लगाई जा रही है और अभी लोग एक ही सारे पर आ जाएंगे धरना और आप लोग कितने तैयार हो गए काउंटर करने के लिए विनाशकाल भगवान
देश के साथ देश की 80 करोड़ इस तरीके की तानाशाही धरना शुरू गांधी जी के चाहते कि देश का माहौल खराब हो और एक न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए एक स्थान है, कोई भी आए हमें उससे परहेज नहीं, लेकिन हम माहौल को खराब नहीं होने देंगे। हमारी एक ही मांग है, रोकी लड़ाई है कि इन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए और देश की महिलाओं के साथ जो घटना इनके साथ हुई भविष्य में किसी के साथ ना हो। नहीं, वो दूसरी बात और उठा रहा है कि FIR हो गई है, कार्रवाई शुरू हो गई है, घटना खाली हो, वो कौन उतना आवाज उठाने वाला। मैंने पहले भी कहा कि अगर माननीय सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय हमें आदेश देगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन हमारी मांग सिर्फ इतनी है, अगर शाम तक उसका इस्तीफा हो जाता है और वो गिरफ्तार हो जाता है तो हम अपने आप ही चले जाएंगे, लेकिन किसी की से डरने वाले नहीं, गिरफ्तार हैं दोनों। और अगर वहां के लोग आकर के बिल्कुल पूरे देश का 135 करोड़ लोग तैयार है, हम सब लोग यहाँ पे कहां से है, कहीं ना कहीं मोदी जी की साख को भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कमजोर कर चुके हैं, उनके काले चित्ते खुलने शुरू हो चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा, ऐसे जो जिस तरीके से उनकी प्रवृत्ति है, ऐसे गुनाहगार लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, उनको संरक्षण नहीं देना चाहिए। ये बेटियां जो देश का गौरव है और आप इनको जानते हैं, आपके परिवार के सदस्य, आपने ही कहा था टीवी चैनल के माध्यम से आपको इनको न्याय दिलाना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह की कल्पना करवा सकता है, वो कितना इस तरीके से समाज को करने वाला होगा। हमारी सबसे बड़ी बेटी से नहीं है, और मैं विशेष तौर पर अपने सोशल मीडिया के साथियों से विनम्र अपील करता हूँ कि आपके घर में भी बहन बेटियां इस तरीके से बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और ये बर्दाश्त नहीं किया जाए। ये कोई राजनीति का नारा नहीं, जुटाने की राजनीतिक पार्टियों की मंत्री, ये देश में महिलाओं का आत्मसम्मान की लड़ाई है और चरित्र कभी भी बदल सकता है। जिसका व्यक्ति के ऊपर तकरीबन 80 मुकदमे चल रहे हैं, आज भी 38 मुकदमे चल रहे हैं, उससे बड़ा चरित्र होता है देश में नहीं लड़ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने ही लोग इस कई सरकार चाहती है कुंभी घंटों में खत्म हो जाता, सरकार चाहती है इन बच्चों को तुरंत FIR होती है, चले जाते किसी तुरंत द्वारा नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ब्रजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने की ठान चुके हैं, क्या कहीं ना कहीं कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर ब्रजभूषण सिंह को खत्म करने की ठान चुके हैं। इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए, ये बच्चों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई है और सबको साफ आना चाहिए, कोई राजनीति नहीं। तो आप पहले जिम्मा देखिए और फिर आप जनता के बीच में जाओ। मैंने भी सुना था, उन्होंने कहा कि मुझे इन लोगों ने सांसद नहीं बनाया, वहाँ की जनता ने बनाया, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर आप अडवाणी जी के साथ ही रहे हैं,
और अडवाणी जी ने भी खुद जो है दूसरे आरोप लगाया तो उन्होंने इस्तीफा दिया और पता नहीं कितने नेताओं ने दिया। तो नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दो और उसके बाद आप चुनाव में जाओ और आप जनता के तरीके से सवाल कीजिए। उनको हमारे सवाल ये है कहीं ना कहीं वो अगर कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो सरकार के ऊपर या अधिकारी के ऊपर दबाव रहेगा उसकी मुझे लेकिन वो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये लड़ाई नहीं है, लड़ाई सिर्फ यही बच्चियों के साथ न्याय हो, इनको इंसाफ हो।